डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डेमोक्रेटाइजेशन के इस कंक्लूडिंग वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट कम्युनिस्ट एंड पोस्ट ऑथोरिटेरियन स्टेट्स में डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस होती है, कैसे कंसोलिडेशन होती है और क्या उसके चैलेंजेस हैं। सभी के लिए एक एक एग्जाम्पल भी लेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन एक कॉन्टेक्चुअल वे में, कि इस टॉपिक से ये कंबाइंड है पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो के लिए। सिलेबस आप देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट ऑथोरिटेरियन एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसको कि इस वीडियो पार्ट टू में पूरी तरह से कवर किया गया है। जो लाल से मैंने फॉन्ट से दिखाया है, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली इस वीडियो में उसको कवर किए गए हैं। फर्स्ट है 2019 में, डेमोक्रेटाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन पोस्ट ऑथोरिटेरियन स्टेट्स, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। हम लोग देखेंगे व्हाट आर द पोस्ट ऑथोरिटेरियन स्टेट्स, ये भी देखेंगे। एनालाइज द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी विद एनी वन एग्जाम्पल, बिल्कुल इसको देखेंगे। 2017, ऑफकोर्स ये सारे क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, अदर यूनिवर्सिटीज में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2017 में है। डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू डेमोक्रेसी इन पोस्ट कम्युनिस्ट। तो ये तीनों क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। जो बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट थे कि डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या थ्री वेव्स में डेमोक्रेटाइजेशन हुई है, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया है। और नोट्स में जो इस वीडियो से रिलेटेड है, वो पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट पे है। तो लेट अस मूव अहेड। ये स्लाइड जो है, ऑफकोर्स बिट रिपीटेड है, लेकिन उनके लिए जो स्टैंड अलोन इस वीडियो को देख रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेटाइजेशन? It is a basically change or transition of previously non-democratic political system towards democracy. मतलब ये change को denote करता है, एक kind of flow है from this to that. From क्या है? जो non-democratic political regime है, जैसे कि authoritarian regime है, post-colonial regime है या पोस्ट कम्युनिस्ट regime है, उनका कैसे परिवर्तन होता है democratic political system में, इस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है, जो डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, उसको पुट इन प्लेस करना, जैसे कि जैसे मल्टी पार्टी इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन थ्री आर्म्स ऑफ द स्टेट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसके लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिसमें कि सिटीजन के राइट्स और जो सेपरेशन ऑफ पावर है और कैसे रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होगा, ये सब इंस्ट्राइंड होता है, और इन सब को सुपरवाइज करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, उसको सामने लाना, उसको बनाना और फिर उस पर अमल करना, इस प्रोसेस का डेमोक्रेटाइजेशन का पार्ट है। दिस प्रोसेस मे ऑल्सो डिनोट कंटिन्यूअल प्रोसेसेस टूवर्ड्स कंसोलिडेशन और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। केवल जो है नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाने को ही डेमोक्रेटाइजेशन नहीं कहते हैं। उसके बाद वो कैसे कंसोलिडेट होती है, कैसे स्ट्रेंथन होती है, कैसे डीपेंड होती है डेमोक्रेसी, आने वाले वर्षों में कैसे डेमोक्रेसी एक्चुअली प्रैक्टिस किया जाता है, डेमोक्रेटिक नॉर्म कैसे इंटरनलाइज होते हैं पॉलिटिकल कल्चर में पर्टिकुलर नेशन के, इसको भी डेमोक्रेटाइजेशन के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम से क्या समझते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एक हाईली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। मैंने एक पूरे वीडियो में बताया है, इसका मायने तो होता है कि पीपल के द्वारा खुद अपने ऊपर शासन, लेकिन ऐसा मॉडर्न डेमोक्रेसी में होता है नहीं। अभी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव या प्रोसीजरल या लिबरल डेमोक्रेसी है, जिसमें कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से चुनते हैं, वो हमारे बिहाफ में पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, हम पे शासन करते हैं, लेकिन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज होती है और फ्रीली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने का हक होता है। हमारी आवाज जो है हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट सुनती है। ये पॉलिटिकल सिस्टम को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। यदि इसके कुछ अंग देखें कि क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं, जिससे कि हम कह सकें कि ये पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी है, जिसके बेसिस पे हम उसके कसौटी पे कर सकें या हम उसको रेट कर सकें, तो सबसे पहले आता है कि फ्री एंड फेयर और पीरियोडिक इलेक्शन से रूलर को चुने जाने चाहिए। जो राज्य करें वो फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शन से चुने जाएं। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट लेजिटिमेट हो और उसको पीपल का मैंडेट हो। इसके अलावा यदि इलेक्शन में कोई
हार जाए जो रूलर जो इनकम्बेंट है तो वो पीसफुली पावर को ट्रांसफर कर दे, वो जो है वायलेंस ना करे, वो अपने पावर का मिसयूज करके वो अपने सत्ता से चिपका ना रहे। सेकेंड है कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहते हैं, सबको एक पर्टिकुलर एज के ऊपर जो है वो वोटिंग की राइट होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने में बहुत आसान है लेकिन कई कंट्री में रूल ऑफ लॉ जो है वो पूरी तरह से लागू होता नहीं है। लॉ जो है चेहरा देख के, हैसियत देख करके लागू जब होने लगता है तो वो रूल ऑफ लॉ नहीं होता है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ जो है और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये इंस्ट्राइंड कॉन्स्टिट्यूशन में होना अलग बात है और जमीन पे उसको उतारना उतना ही मुश्किल। सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज होनी चाहिए, राइट एंड फ्रीडम टू सिटीजन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट्स। प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड ऑटोनोमस सिविल सोसाइटी होना चाहिए। सिविल सोसाइटी का मायने है जो कि सरकार और मार्केट दोनों से अलग जो होती है, जैसे कि एनजीओज हैं, इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप है, सोशल मूवमेंट्स है, ओपिनियन लीडर हैं एंड जनरल पब्लिक हैं। फ्री पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन मैटर्स, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट, यदि वो सरकार से अलग ऑटोनोमस वे में काम करती है, कोर्ट ऑटोनोमस वे में काम करते हैं, ऑडिट ऑटोनोमस वे में काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सीबीआई ऑटोनोमस वे में काम करते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, अदरवाइज वो वीकन होती है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय डेमोक्रेटाइजेशन एंड ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अब इस प्राइमर के बाद यदि हम देखें कि जो तीन स्टेट जो सिलेबस में है जिसमें कि डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को हमें पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा दी जाने कि पोस्ट ऑथोरिटेरियन मतलब या ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट और कोलोनियल स्टेट के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले यदि हम देखें पोस्ट ऑथोरिटेरियन, पोस्ट मतलब यह है कि ये सब ऑथोरिटेरियन रेजिम थे और ये बदले हैं डेमोक्रेसी में, तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि रेस्ट वाइल ऑथोरिटेरियन स्टेट कैसे थे। ऑथोरिटेरियन स्टेट का मायने सिंपल होता है कि पावर इज इन द हैंड्स ऑफ ए लीडर और ए स्मॉल इलीट, एक बहुत छोटा सा इलीट ग्रुप है, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। रूलर्स आर नॉट चोजन बाय पीपल हु हैव लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो जो स्मॉल ओलिगार्च होते हैं या इलीट्स होते हैं वो अनअकाउंटेबली और इलिजिटिमेट वे में कह लीजिए, या लिजिटिमेसी उनको नहीं होती है, पीपल नहीं चुनते हैं लेकिन वो पीपल पे राज करते हैं। ये जो ऑथोरिटेरियन स्टेट है इसमें से कई जो हैं वो पर्सनलिस्टिक स्टेट बन जाते हैं, मतलब एक परसोना पे बेस्ड, हेडेड बाय ए सुप्रीम लीडर वेल्डिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल पावर। वैसे तो वो एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं और वो सिंगल पार्टी रूल होता है, लेकिन वो लीडर जो है सबसे ऊपर उठ जाता है, वो नेशन को रिप्रेजेंट करने लगता है, बहुत पॉपुलर भी होता है लेकिन वो ऑटोक्रैट होता है, डिक्टेटर भी होता है। जैसे हिटलर नाजी जर्मनी में, फ्रांसिस्को फ्रेंको स्पेन में, सद्दाम हुसैन इराक में, जियाउल हक पाकिस्तान में, मोबूतू जैरे में, अनेक एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा मिलिट्री रेजिम भी जो अथॉरिटेरियन स्टेट कैटेगरी में आती है, इवन हमारे पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान बांग्लादेश में भी ऐसे रेजिम रहे हैं। इन अर्ली 1990s अबाउट हाफ ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेर रूल्ड बाय मिलिट्री रेजिम, ये तो बहुत ही दुखद फैक्ट है। इसके अलावा एब्सोल्यूट मोनार्कीज जो होते हैं जहां पे राजा राज करते हैं, जैसे नेपाल में पहले था, और डिक्टेटरशिप जो है वो भी इसके अंदर में आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल यदि आप देखें अगेन तो अफ्रीका में अपार्थेड रेजिम इन साउथ अफ्रीका को आप कह सकते हैं, और मेनी सब सहारन नेशन जो अफ्रीका में है उसको आप ऑथोरिटेरियन रेजिम के अंदर रख सकते हैं। एशिया में यदि आप देखिए तो ताइवान जो कोमिंटांग का जो रूल था KMT, उसके उस रूल के अंदर वो एक ऑथोरिटेरियन स्टेट था। साउथ कोरिया भी जो मिलिट्री रूल था 1987 तक उसको भी ऑथोरिटेरियन स्टेट आप मान सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी यदि आप आइए पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट, तो आपको पता है कि करीब 29 स्टेट्स जो हैं वो टूट करके बिखर करके कम्युनिज्म के बिखरने के बाद से निकले हैं, उन सबको पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट कहते हैं। उसमें से 16 तो केवल जो USSR के विघटन से पैदा हुए थे। ये सारे स्टेट एक अलग टाइप के स्टेट कहलाते थे, इसको टोटलिटेरियन स्टेट बोलते हैं। टोटलिटेरियन स्टेट मतलब ये होता है कि रूल बाय सिंगल पार्टी फॉलोइंग डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी, मतलब आइडियोलॉजिकल स्टेट बन जाता है। जैसे कि हमें कम्युनिज्म को लाना है, एक ऐसी टोपिक सोसाइटी बनाना है जहां पे कोई अमीर गरीब नहीं है और गरीबों का राज है, तो वो उस आइडियोलॉजी से वो पार्टी भी गाइडेड होती है और पूरा स्टेट भी गाइडेड होता है। और दूसरा फीचर है कि स्टेट का टोटल कंट्रोल होता है, टोटल कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, यानी कि कोई पब्लिक पीपल जो है क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या देखता है, कैसे एंटरटेन होता है, कहाँ घूमने जाता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द
स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये बहुत स्टिफलिंग हो सकता है। तो ये और जो सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो तो बहुत नाम मात्र का वहां पे रहता है। इसका एग्जाम्पल है कि लेकिन इसमें अच्छाई भी कुछ होती है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री ओल्ड एज केयर और सबको बेसिक मिनिमम नीड भी पूरा करती है। तो ये इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। इसमें यदि इसको देखें तो स्टालिन का रशिया या यूएसएसआर, माओ जेडांग का चाइना और अदर कम्युनिस्ट रिजिम को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट, मतलब अब तो टोटलिटेरियनिज्म तो ढह चुका है, उसके जो फाउंडेशन है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो वहां का रेजिम है इट इज स्टिल ट्राइंग टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, फॉलो ऑफिशियल आइडियोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग लीडर डिस्पाइट कोलैप्स ऑफ फाउंडेशंस ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इसका एग्जांपल देखिए आप तो पुतिन का रशिया आप मान सकते हैं, कैपिटलिस्ट चाइना को मान सकते हैं, एंड अदर कम्युनिस्ट एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम जो है वो सेमी या पोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट के जैसा बिहेव करती है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि 29 स्टेट जो हैं वो आते हैं, जो 16 फ्री रिपब्लिक फ्रॉम यूएसएसआर, 6 फ्रॉम ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया के ब्रेकअप होने से बने हैं, लाइक क्रोएशिया एंड सर्बिया एंड मैसेडोनिया और क्रोसोवो, बोस्निया हर्जेगोविना, ये सारे बने हैं इससे। 2 जो हैं चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया बन चुके हैं, और ईस्टर्न ब्लॉक नेशन जो पहले थे, जो एक सैटेलाइट नेशन थे यूएसएसआर के, लाइक पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये सब मिल करके पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट बनाते हैं 29 स्टेट। थर्ड कैटेगरी यदि आप लीजिए जिस पे कि हम डेमोक्रेटाइजेशन को पढ़ेंगे वो है पोस्ट कोलोनियल स्टेट। ये लोग रेस्ट वाइल कोलोनियल नेशन थे जिस पे कि शासन था यूरोपियन पावर का, जनरली कई 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 जगह तो जापान का भी और अमेरिका का भी जो है वो कॉलोनीज रहे हैं। इमर्जिंग न्यू नेशन स्टेट एज आउटकम ऑफ डीकोलोनाइजेशन, ये सब जो है डीकोलोनाइजेशन के परिणाम से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। मोस्ट ऑफ देम एडॉप्टेड वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो यूके से आजाद हुए थे उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया, बट मेनी ऑफ देम कुड नॉट होल्ड ऑन टू डेमोक्रेसी एंड बिकेम ऑथोरिटेरियन स्टेट। लेकिन ये सब धीरे धीरे करके 1960s स्टार्ट होते हुए अफ्रीका ने शुरू किया और कई अदर एशियन कंट्री भी लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है वो ऑथोरिटेरियन स्टेट या मिलिट्री स्टेट में बदल गए, वो डेमोक्रेसी को जिंदा कायम नहीं रख सके। इसमें एग्जाम्पल यदि आप लीजिए तो इंडिया है जो शाइनिंग स्टार है, जो कि हमेशा डेमोक्रेसी रहा डिस्पाइट ऑल कंट्राडिक्शंस, श्रीलंका है वो भी मोरलेस डेमोक्रेसी रहा, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब डेमोक्रेसी नहीं रह पाए, फिलीपींस, कोरिया, इंडोनेशिया, ये सब जो है डेमोक्रेसी को बनाए नहीं रख पाए, फिर से रीडेमोक्रेटाइजेशन हुआ जो हम लोग देखेंगे। अफ्रीका में घाना भी अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं कर पाए, नाइजीरिया, अल्जीरिया, कॉन्गो, केनिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, मेनी अदर, जो कि सभी जो है बाद में अथॉरिटेरियन में लगभग बदल गए और फिर इसमें डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, जिसमें से एक हम लोग एग्जाम्पल घाना का देखेंगे। लैटिन अमेरिका में पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का मायने ये होता है कि 1820 में ही अधिकतर को आजादी मिल गई थी, इसलिए जब 1950-60 में को डीकोलोनाइजेशन हो रहा था तो लैटिन अमेरिका उससे नहीं जुड़ पाया, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम दूसरी थी, वहां पे बहुत सैकड़ों साल पहले जो है उनको इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज, पोस्ट ऑथोरिटेरियन, पोस्ट कम्युनिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल, जिसमें कि कैसे डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस हुई है उसको आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल नेशन या स्टेट। It is closely linked to the decolonization of erstwhile colonial states. जैसा मैंने बताया कि ये सब जो है आजाद हुए और अधिकतर जब ये decolonize हुए, जो colonial power के चंगुल से जब मुक्त हुए, तो इन्होंने naturally democratic political system को adopt किया। उसका कारण ये था कि ये hate करते थे colonialism को, ऊपर से शासन को, centralized way को, और जो जिसको कहते हैं unaccountable and illegitimate, बिना मैंडेट के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने जो है आंदोलन किया था, जो इसके इलीट्स थे और मास को लेकर के, तो नेचुरली ये इनको डेमोक्रेसी में जाना था। इसके अलावा इनको सपोर्ट भी मिला था जो यूके या अदर यूरोपियन नेशन और यूएसए से कि उसको डेमोक्रेटिक ऑर्डर को अपनाए। सो मोस्ट ऑफ देम एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अंडर न्यू इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सबने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया भी उसमें से एक है। और इन्होंने जो है मल्टी पार्टी इलेक्शन लाए, ये सब कंट्री सिविल एंड पॉलिटिकल राइट दिए गए सिटीजन को। They put in place democratic institutions, जैसा मैंने आपको बताया, parliament, court, bureaucracy, and audit arrangement and law and order mechanism, ये सारे उन्होंने जो election commission, ये सब जो हैं उन्होंने अपने बनाए, जिसको कहते हैं democratic institutional mechanism उन्होंने सामने लाया। Then most of them adopted parliamentary form of government, कुछ ने presidential भी अपनाया,
popular mass leader from bourgeois class took reign, winning popular election. ये सब जो है इनके कॉमन फीचर थे. जैसे इंडिया में भी हुआ, एक बॉर्जुअज़ क्लास जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड था लेकिन लिबरल था और डेमोक्रेसी में बिलीव करता था, वो जो है उसने इस सत्ता की बागडोर संभाली एक पॉपुलर इलेक्शन से जीत करके आया. जैसे इंडिया में भी जवाहरलाल नेहरू, और ऐसे जो है घाना में भी नुक्रमा एंड मेनी अदर कंट्री में इस तरह के जो बॉर्जुअज़ लीडर थे वो उभर करके सामने आए थर्ड वर्ल्ड कंट्री में. इनमें जो मैंने आपको बताया कि जो कॉमन फैक्टर्स जिसने कि डेमोक्रेटाइजेशन को सपोर्ट किया वो ये था कि आइडियोलॉजिकल फोर्स अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म जो कि उनके नेशनल मूवमेंट का पार्ट था तो उनको अपनाना ही था. देन जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूएसए एंड यूके सपोर्ट करते थे जो एलाइड पावर थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में फैले, क्योंकि उनको जो है कम्युनिस्ट वर्ल्ड से भी खतरा था जो कि वो उसके अगेंस्ट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वो अपना ज्यादा करीब मानते थे. इसलिए उन्होंने बहुत तरह से सपोर्ट किया एड दे करके भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी. इसके अलावा उस समय में जो है सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन चल रहा था जो हंटिंगटन का मैंने आपको बताया, उससे जो है एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन या नकल इफेक्ट भी होता है, नेबरवुड इफेक्ट भी होता है. जब आपके अगल बगल के सारे कंट्री एक एक करके डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं तो आप भी डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं. इसके अलावा जो है कई कंट्री को लाइक इंडिया को मौका मिल गया अपने यहाँ डेवलप करने का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और कुछ डेमोक्रेसी को एक रूडिमेंट्री वे में प्रैक्टिस करने का. जैसे इंडिया में करीब 50 सालों तक बिफोर आज़ादी जो है हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो अंग्रेजों ने किया उसके तहत कुछ कुछ जो है ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी लाने की शुरुआत हो चुकी थी. लेकिन अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पे सडन जो है करीब 5 से 10 सालों में ही डिकॉलोनाइजेशन हुआ, इसलिए भी अफ्रीका को वो मौका नहीं मिल पाया. उससे भी वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन या कंसोलिडेट करने में, जो जिस मायने में कि इंडिया एंड श्रीलंका अदर जो है लकी रहे. यदि हम प्रेजेंट इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन देखें, ये मैंने जो लिया है मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि यूके बेस्ड कंपनी द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन भी निकालती है उसकी जो है हर साल 2006 से वो एक डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालते हैं. वो दुनिया के करीब 164 कंट्री को रेट करते हैं 5 पैरामीटर पे और उसके बेसिस पे बताते हैं कि क्या ये फुल डेमोक्रेसी है या एटलीस्ट फ्लॉड भी लेकिन डेमोक्रेसी है. उसके बाद वो कहते हैं हाइब्रिड है जो कि डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन का मिक्स काइंड ऑफ रूल है, जहां पे कि फ्रॉड टाइप का इलेक्शन होता है, फ्री फेयर नहीं होता है और बहुत सिविल पॉलिटिकल राइट लिमिटेड होती है. और लास्ट में वो कहते हैं अथॉरिटेरियन स्टेट जो कि बिल्कुल ही डेमोक्रेसी नहीं है. यदि इस बेसिस पे हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को देखने की कोशिश करें तो जो इकोनॉमिस्ट का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है तो उसमें केवल 22 जो है फुल डेमोक्रेसी, उसमें तो अमेरिका भी नहीं आता, यूएसए भी नहीं आता है. तो उस फुल डेमोक्रेसी में तो खैर एक भी नहीं है, लेकिन उसके ठीक नीचे में बोत्सवाना जो है जो चमकता हुआ सितारा है जो सबसे ऊपर है 29th स्पेस स्टेप पे, मलेशिया जो है 40वें स्थान पे है, इंडिया 51वें पे है, टूनीसिया 53वें, फिलीपींस, घाना, इंडोनेशिया, नामीबिया, श्रीलंका ये सब जो है कैटेगराइज किए गए हैं डेमोक्रेसी लेकिन फ्लॉड डेमोक्रेसी. इवन हमें इसमें शर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि यूएसए भी फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर इस कैटेगरी में रखा गया है. इसको स्कोर 8 से 6 के बीच में 10 में से मिलता है. इसके अलावा बांग्लादेश, मालावी, लाइबेरिया, केनिया, तंजानिया, मोरक्को, बेनिन, जाम्बिया, युगांडा, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इन सबको हाइब्रिड रेजिम में इसमें रखा गया है, यानी कि यहाँ पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है. और मारूटेनिया, अंगोला, मोजाम्बिक, गैबोन, म्यांमार, कंबोडिया, इथियोपिया, नाइजर, रवांडा, जिम्बाब्वे, कॉन्गो, कैमरून, सूडान, इन सबको जो है अथॉरिटेरियन स्टेट में रखा गया है. तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में अभी भी काफी स्टेट जो है वो डेमोक्रेसी से दूर हैं. डेमोक्रेटाइजेशन यहाँ हुआ लेकिन अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, खास करके अफ्रीकन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को. वहां पे अथॉरिटेरियनिज्म अभी भी रूल कर रहा है, मिलिट्री रूल हो रही है और नेम सेक का डेमोक्रेसी यदि कहीं पे भी है भी तो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी नेम सेक का है. तो यहाँ बहुत लंबा रास्ता डेमोक्रेसी को तय करना है. यदि हम एक एग्जाम्पल ले, आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हर केस में एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप उसको एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं. यदि हम घाना का केस ले, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे घाना लगा. 1957 में घाना एक कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री साउथ ऑफ सहारा जो सहारा डिजर्ट है टू अटेन इंडिपेंडेंस. ये जो है वहां इंडिपेंडेंस होता है ब्रिटिश राज से. लाइक मेनी अदर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट इट अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शन. यहां तक तो बहुत कॉमन था.
वहां पे जो है क्वामे निक्रुमा जो है वो एक करिस्मेटिक लीडर थे, उन्होंने नेशनल मूवमेंट को लीड किया था. ही बिकेम जस्ट लाइक नेहरू जी पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के चीफ बनते हैं और निक्रुमा जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम बन जाते हैं नेहरू जी के साथ, टीटो के साथ. तो ये पांच लोग मिलकर के जो है ये लोग नाम बनाते हैं 1961 में. तो इतने बड़े लीडर जो है घाना के निक्रुमा बनते हैं. बट सुन, निक्रुमा रेजिम टर्न्ड इनटू सिंगल पार्टी जिनका नाम सीपीपी था, कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी. एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को वो हेड करने लगते हैं, सिंगल पार्टी रूल हो जाती है, डेमोक्रेसी को त्याग देते हैं. 1966 में निक्रुमा रेजिम वॉज ओवरथ्रोन बाय आर्म्ड फोर्स एंड पुलिस. उसके बाद तो समझिए 25 साल तक इस तरह के वायलेंस और पॉलिटिकल अपहिवल चलता रहा. घाना सॉ मल्टीपल ऑथोरिटेरियन रूल, मिलिट्री कू एंड इन बिटवीन फ्लेजलिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. फ्लेजलिंग मतलब कि बहुत ही मतलब क्राइसिस लेडन, जैसे तैसे जब डेमोक्रेसी बीच में थोड़ी बहुत रही फिर मिलिट्री रूल आ गया, जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं. रीडेमोक्रेटाइजेशन सक्सीडेड अल्टीमेटली 1993 विथ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि चौथा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको इसलिए फोर्थ रिपब्लिक घाना का बोलते हैं, जो चौथे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था. एंड पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वॉन मल्टी पार्टी इलेक्शन. उसके बाद से बहुत ही वहाँ स्टेबल डेमोक्रेसी है. 7 बार जनरल इलेक्शन हो चुका है, 3 बार जो है वो इनकम्बेंट हार चुकी है और अपोजिशन को पीसफुल पावर ट्रांसफर हो चुका है. इन इस फैक्टर को सपोर्ट करने में जो अहम भूमिका है वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट की है. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली IMF और वर्ल्ड बैंक जो USA के इशारे पे उसने भी यहाँ डेमोक्रेसी को लाने में फिर से 1983 में हेल्प किया. इस जो यहाँ पे जो प्लसेज हैं, जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है या डेमोक्रेसी जिस रूप में दिख रही है उसके प्लस तो ये हैं कि यहाँ लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, स्टेबल फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स, ये सब हैं जो कि एक डेमोक्रेसी में होते हैं. लेकिन ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं भी है क्योंकि यहाँ अभी भी जो है एक ओलिगार्ची काइंड ऑफ रूल है. बहुत स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ इलीट जो है, जो सत्ताधारी लोग हैं, बहुत ऊंचे तबके के लोग हैं, लैंडेड जेंट्री हैं, वो लोग इसको राज करते हैं. जनरल पीपुल को मौका नहीं है कि वो ऊपर आ पाए. रूलिंग पार्टी जो है वो टेरर और वायलेंस के बल पे जो है राज करती है. जो सिंगल पार्टी होती है वो रोड पे निकल करके वायलेंस करती है, अपोजिशन को दबाती है. जैसे इंडिया में थोड़ा बहुत आपने शिवसेना का देखा होगा कई बार. करप्शन जो है वो बहुत चरम पे है. फॉर्मलिज्म है जिसको कि जो रिग्स कहते हैं, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रूल ऑफ लॉ और जमीन पे जो इसमें बहुत फर्क है, उस तरह से रूल ऑफ लॉ लागू होता नहीं है. एंड लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट है. ये सब घाना के को कंसोलिडेशन डेमोक्रेसी करने में एक बहुत बड़ा अड़चन है और कोई नहीं जानता कि ये डेमोक्रेसी कब तक यहाँ पे बनी रहेगी, क्योंकि जब तक इस माइनसेस को हटाएंगे नहीं तब तक डेमोक्रेसी लोगों को इंटरनलाइज नहीं हो पाएगी, लोग इसको सपोर्ट लॉन्ग टर्म में नहीं करेंगे. तो दिस इज द केस ऑफ घाना, ए पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेटिक स्टेट. अब यदि हम देखें कि डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट, जो 29 जो टूट करके USSR, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और ईस्टर्न यूरोप के बने हैं नेशन, उसमें कैसे होता है. इट वॉज द आउटकम ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ USSR एंड यूगोस्लाविया एंड डिमाइस ऑफ कम्युनिस्ट रूल रेजिम्स इन ईस्टर्न ब्लॉक नेशन. जैसा मैंने आपको बताया, जो इसमें कॉमन पैटर्न जो डेमोक्रेटाइजेशन के यदि हम खोजने की कोशिश करें तो ये सब 1989 में स्टार्ट हुआ बर्लिन वॉल के ढह जाने और दोनों जर्मनी के यूनिफाई होने से. मोस्टली ये ब्लडलेस एक तरह का रहा, हर जगह कोई मारपीट नहीं हुई एक्सेप्ट रोमानिया, जो बहुत वायलेंस हुआ, हजारों लोग मारे गए. और ऑलमोस्ट ये सडन था, 1 से 2 साल के अंदर हर जगह डेमोक्रेसी आ गई एक्सेप्ट इन चेकोस्लोवाकिया, जहां पे की एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और पोलैंड में भी जहां करीब 10 साल तक जो है वो सॉलिडेरिटी जो है वो लोहा लेती रही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से. इसमें एक फीचर ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग हर जगह इंक्लूडिंग रशिया बैन कर दिया गया, और कई स्टेट में जहां रसिया नहीं है वहां तो कोई भी जो प्रीवियस कम्युनिस्ट रेजिम में ऑफिशियल पोजीशन पे था उसको नए रेजिम में जगह देने से भी मना कर दिया गया. इसके अलावा इलेक्शन टू हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट थ्रू मल्टी पार्टी इलेक्शन शुरू हो गया. एडॉप्शन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी भी इसका एक पार्ट था. दिस कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी वॉज इम्पोज बाय कैपिटलिस्ट पावर of IMF and World Bank. इसको shock therapy बोलते हैं, garage sale भी बोलते हैं, जिससे एक ही साथ जितने state owned company थे उसको औने पौने दाम पर जो है जो रिच पीपुल थे प्राइवेट पीपुल उसको बेच दिया गया. उससे वहां पे एक ओलिगार्ची इन सब स्टेट में बनी जो कि अभी भी एक नासूर के जैसा है, वही लोग अधिकतर रूल करते हैं. मेजोरिटीज ऑफ देम adopted parliamentary form of popular government.
मेजर सपोर्टिंग फैक्टर जो थे इस डेमोक्रेटाइजेशन का, यदि उसको खोजा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ी थी जो रसिया से शुरू हुई, सोशल अनरेस्ट था क्योंकि एक बहुत स्टिफलिंग हो गया था, जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थे लोग बिल्कुल उससे खुश नहीं थे क्योंकि एक तरफ वो गरीबी झेल रहे थे, ऊपर से जो है स्टेट का टायरनी। सिविल सोसाइटी मूवमेंट भी शुरू हुई, लाखों लोग सड़क पे निकल आए पूरे ईस्टर्न यूरोप और रशिया में भी, एंड जो गॉर्बाचोव ने जो रिफॉर्म लाया प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, वो भी इसमें जो है उसने चिंगारी का काम किया, इनफैक्ट वो एक मेजर फैक्टर बन गया। एंड यूएसए और वेस्टर्न यूरोप का जो एक्टिव इन्फ्लुएंस था, उनका आइडियोलॉजिकल वॉर भी था कि कम्युनिज्म को खत्म करना है और कैपिटलिज्म को फैलाना है, उन्होंने हर तरह से उन स्टेट की मदद की, पोस्ट कम्युनिस्ट जो कि डेमोक्रेसी को अपनाना चाहते थे, इनफैक्ट कई तो उसमें से ईस्टर्न यूरोप के नाटो और फिर यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट बन गए। यदि हम इसमें देखें कि क्या एक ही तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन हुई है इन 29 स्टेट में पोस्ट कम्युनिस्ट, तो नहीं, सबने अलग अलग पाथ जो है अपनाया। डेमोक्रेसी सब एक साथ लगभग हो गए 1989 से 91 में, लेकिन फिर जो रास्ते देखिए कैसे अलग हो जाते हैं। जो बाल्टिक नेशन थे, बाल्टिक मतलब इस्टोनिया, लिथुएनिया, लटविया, ये सब जो बाल्टिक फिनलैंड के पास के छोटे छोटे कंट्री हैं, और अदर जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री हैं लाइक पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, ये सब जो है इनका कल्चर एक अलग था, पॉलिटिकल कल्चर। ये लोग दे मूव स्विफ्टली टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, यहाँ डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रेंथन हुई और अभी जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में लिथुएनिया और स्लोवेनिया जो है मोस्ट डेमोक्रेटिक माने जाते हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक, उसको बाल्कन रिपब्लिक बोलते हैं जो टूट के बने हैं, वो सबका बहुत स्लो ड्राइव टुवर्ड डेमोक्रेसी रहा। वो लोग जो है बहुत धीरे से, सर्बिया और क्रोएशिया ये सब जो है बहुत धीरे धीरे जो है उसके, या मेसोडोनिया, कोसोवो, बोस्निया, ये सब धीरे धीरे डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं। लेकिन जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के जो रिपब्लिक थे जो 15 इंक्लूडिंग जो जो कॉकेशियन रीजन में, जो एशिया में जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, ये सब तो बहुत कम जो है वहां पे हेडवे हुआ। शुरू में डेमोक्रेसी आई लेकिन उसके बाद एक तरह से अधिक से अधिक ऑथोरिटेरियन होते चले गए। इवन रसिया भी आज ऑथोरिटेरियन माना जाता है, और जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है द इकोनॉमिस्ट का, उसमें तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सबसे ज्यादा जो है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन स्टेट में रेट किए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तीन अलग अलग डायरेक्शन में गए। जो बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन थे वो बहुत तेजी से डेमोक्रेटाइज हुए, कंसोलिडेट हुए। जो बाल्कन वाले थे वो बहुत धीरे धीरे डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं, और जो फॉर्मर सोवियत यूनियन इंक्लूडिंग रसिया है वो अधिकतर ऑथोरिटेरियन बने रहे। इसीलिए डेमोक्रेसी इंडेक्स भी उसी तरह से दिखता है। जो मैंने आपको बताया कि रसिया 134वें पोजिशन पे है, बिल्कुल ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन है, डेमोक्रेसी नहीं मानती है ये मैगजीन उसको। कजाकिस्तान 139 पे है, अजरबैजान 146, बेलारूस 150, उज्बेकिस्तान तो 157 आउट ऑफ 164 पे, और ताजिकिस्तान 139 पे है, और तुर्कमेनिस्तान 162 पे। तो ये तो सब एकदम जो ऑथोरिटेरियन स्टेट माने जाते हैं। इसके अलावा जियोर्जिया, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, मोंटेग्नेरो, मोल्डोवा, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ये सब जो है हाइब्रिड रेजिम माना जाता है, इसको भी प्योर डेमोक्रेसी अच्छी मतलब डेमोक्रेसी माना ही नहीं जाता है। लेकिन सर्बिया, रोमानिया, क्रोएशिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, लटविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक एंड इस्टोनिया आर फ्लॉड डेमोक्रेसी। फ्लॉड डेमोक्रेसी हमें समझिए कि बहुत खराब है, क्योंकि यूएसए भी फ्लॉड डेमोक्रेसी मैंने बताया, इंडिया भी फ्लॉड डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि केवल 22 कंट्री को ही फुल डेमोक्रेसी माना गया जिन्होंने स्कोर 8 से ऊपर जो लेकर के आए हैं, उसमें तो यूएसए और इंडिया जैसे कंट्री भी नहीं है। सो दिस इज द डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट। अब यदि हम एग्जाम्पल लें, मैंने सब केसेस में एक एग्जाम्पल लिया है, तो क्यूरियस केस ऑफ रसिया लीजिए, कैसे डेमोक्रेटाइज हुआ है, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 1985 में मिखाइल गर्बाचोव जो है टुक चार्ज ऑफ यूएसएसआर, वो सोवियत रूस के हेड बनते हैं, और वो जो है इनिशिएट करते हैं ग्लासनोस्ट, जो कि पॉलिटिकल एक तरह का फ्रीडम कह लीजिए, पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन था, और प्रेस्ट्रोइका, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ओपननेस एंड रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने किया। लेकिन वो जो है एक ऐसा जीन टाइप का निकला जिसने कि पूरी तरह से यूएसएसआर को ही ढा दिया। 1989 में फर्स्ट ओपनली कंटेस्टेड इलेक्शन होता है फॉर न्यू कांग्रेस ऑफ पीपुल्स डेप्टीज इन रसिया। रसिया जो सबसे बड़ा उसके कंट्री थी यूएसएसआर के, वहां पे जो है मल्टी पार्टी इलेक्शन हो जाता है। 1991 में बहुत सारे इवेंट होते हैं, ओपन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, और बोरिस येल्सिन जो है रशियन प्रेसिडेंट बन जाते हैं रशियन रिपब्लिक के। यानी आप समझिए, पहले तो गर्बाचोव अभी भी जो है वो यूएसएसआर के हेड है, लेकिन
जो रशियन जो कंट्री है रसिया, उसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बोरिस यल्सिन बन जाते हैं, जो कि एक मल्टी पार्टी इलेक्शन से बनते हैं। अगस्त 1991 में फेमस कू होता है, जिसमें कि हार्ड लाइनर कम्युनिस्ट लीडर जो होते हैं वो फिर से कम्युनिस्ट रेजिम लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोरिस यल्सिन स्ट्रीट पे उतर आते हैं, लोग स्ट्रीट पे उतर आते हैं और वो जो है प्रोटेस्ट जो कू है वो फेल कर जाता है 3 दिन में ही, और बोरिस यल्सिन जो है सबसे पॉपुलर लीडर बन के उभरते हैं। नवंबर 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाता है रसिया में, और दिसंबर 25 1991 को गर्बाचोव रिजाइन करते हैं, यूएसएसआर को डिसॉल्व कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और रसिया एडॉप्टेड मल्टी पार्टी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑफ प्रेसिडेंशियल टाइप। लेकिन वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, सारी पावर उसमें निहित होती है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उनको भी काफी पावर मिलती है। 1991 से 93 के बीच में वहां बहुत सारे क्यूरियस इवेंट होते हैं, बोरिस यल्सिन एक बहुत स्ट्रांग प्रेसिडेंट के रूप में उभरते हैं, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इसमें प्रेसिडेंट को वाइड रेंजिंग पावर मिल जाता है, और उस पीरियड को फोनी डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि टेलीफोन पे जो है आप ऑर्डर करते हैं तो कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देता है, आप अपने जिसको जो ऑर्डर करते हैं कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, प्रेसिडेंट की डिक्री से चलता है। तो इस तरह से जो फोनी डेमोक्रेसी चलती है 3 साल तक, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में बहुत क्लास होता है, वो उसकी परिणति होती है एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन में, जहां पे कि तोप चलाया जाता है पार्लियामेंट में, और एक काला अध्याय जुड़ता है, और प्रेसिडेंट जो है एक रेफरेंडम कराते हैं, जिसको कि बहुत लोग जो रिग्ड मानते हैं, फ्लॉड मानते हैं, उससे उन्होंने मान लिया कि हाँ पार्लियामेंट के कंपैरिजन में प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर होना चाहिए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और इस तरह से 5-6 साल बोरिस यल्सिन जो है अपनी प्रेसिडेंटशिप को खींच के ले जाते हैं। 1999 में वो जो है रिजाइन कर देते हैं, दिसंबर 99 में व्लादिमीर पुतिन, जो कि एक्स कर्नल थे, जो सेक्रेट सिक्योरिटी एजेंसी यूएसएसआर की थी, केजीबी जैसे सीबीआई अपने यहाँ रॉ समझ लीजिए, या यूएसए की जो सेक्रेट एजेंसी है एफबीआई उससे सा समझ लीजिए, तो वो केजीबी जो है वो उसके एक एक्स अधिकारी हाई रैंक, वो व्लादिमीर पुतिन बन जाते हैं रशिया के प्रेसिडेंट। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कई जो है ईस्टर्न यूरोपियन नेशन कम्युनिस्ट नेशन ने कोई भी पद जो पिछले रेजिम कम्युनिस्ट रेजिम में था उसको अपने नए सत्ता में हक देने से या मतलब पोस्ट देने से वहां पे रूल बैन कर दिया है, वहां रशिया में नहीं है, इसलिए पुतिन बन पाए। अब समझिए कि 2000 से लेके 2020 तक 20 सालों से पुतिन वहां पे राज कर रहे हैं, कभी वो प्रेसिडेंट होते हैं, कभी वो अपने किसी लॉयलिस्ट को प्रेसिडेंट बना देते हैं, क्योंकि 2 टर्म से अधिक कोई वहां प्रेसिडेंट नहीं रह सकता उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और अभी उन्होंने तो पूरे गवर्नमेंट को ही डिसॉल्व कर दिया और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि 2024 में जो न्यू इलेक्शन होगा तो हो सकता है कि वो पार्लियामेंट के वो स्पीकर बन जाए, इसलिए पार्लियामेंट को अधिक पावर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहे हैं। व्हाटएवर इज, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने एक नए काइंड ऑफ रशियन पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने प्लेस किया है, उसको आगे बढ़ाया है। अंडर पुतिन रशिया सॉ लेस एंड लेस सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सीवियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मास मीडिया, एक प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया वहां पे है जो गवर्नमेंट की तरफ से केवल प्रोपेगेंडा करती है, फ्री रिपोर्टिंग नहीं कर पाती है, मजलिंग ऑफ अपोजिशन वॉइस, कोई अपोजिशन वॉइस को नहीं सहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस टू फर्दर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जैसा मैंने आपको बताया किया जा रहा है, और इलेक्शंस वहां पे फ्लॉड माने जाते हैं। इन सब के चलते जो है रशिया को डेमोक्रेसी अब मानने से कोई भी वर्ल्ड में कोई भी इंस्टीट्यूशन इनकार करती है। फैक्टर विच डिड नॉट हेल्प कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यदि आप ये देखें कि डेमोक्रेसी वहां क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, उसके कुछ कारण यदि जो सोशल साइंटिस्ट निकालते हैं, इस पे एक का तो नहीं है, उसमें एक है कि जो सोवियत लीगेसी है, मतलब अभी भी जो है लोग उस ट्रॉमा को भूल नहीं पाए हैं कि एक ग्रेट रशियन फेडरेशन था, एक ग्रेट राज था यूएसएसआर का, क्योंकि हिस्ट्री में भी रशिया का बहुत बड़ा जो है एक अंपायर रहा है जिसमें कि ये सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री शामिल रहे हैं, तो यूएसएसआर के ढहने को वहां के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। दूसरा, वहां पे इकोनॉमिक टर्मोइल रहा है, उससे भी बहुत लोग जो है डेमोक्रेसी से उत्साहित नहीं हो पाए, वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था, जो इंस्टीट्यूशन लाए गए वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाया, और जो थोड़े बहुत रजिस्ट भी किए से पार्लियामेंट उसको जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से जो है और एक अब एक तरह के फ्लॉड रेफरेंडम से उसको जो है उस अपोजिशन को खत्म कर दिया गया। वहां के पॉलिटिकल कल्चर पे भी लोग जो है सवाल उठाते हैं, लोग कहना है कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो रशिया में अपनाया जाता है वो शुरू से ही जो है
वो डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी के प्रति उतना फेवरेबल नहीं है, इसलिए इतिहास में भी जो है वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी का कोई हिस्सा नहीं मिलता है, इसलिए भी लोग कहते हैं कि वहाँ 1917 में जो है वो कम्युनिस्ट रेजिम आ पाया और जार का इतना जो है टॉर्चरस शासन लोगों ने बर्दाश्त किया। इसके अलावा जो पाथ डिपेंडेंसी है, एक थ्योरी है पाथ डिपेंडेंसी, हिस्टोरिकल अकाउंट जब पॉलिटिकल कॉजेज का या पॉलिटिकल इवेंट्स का जब हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो कहा जाता है कि जिस तरह से एक कंट्री एक हिस्टोरिकल जर्नी तय करती है वो अचानक बदल नहीं पाता है, उसी रास्ते पे चलती है, तो रसिया भी उसी से बन चुका है। और वहाँ पे जो कंटिन्यूड ओलिगार्ची है, एक जो छोटा सा एक इलीट जो कि पहले भी वही, जब यूएसएसआर था तो वही लोग कम्युनिस्ट रेजिम में भी राज करते थे, वही लोग अभी भी राज कर रहे हैं दूसरे नेम से, उसका जो स्ट्रांग होल्ड है उसके चलते भी। और एक और फैक्टर लोग कहते हैं जो कि मिडिल ईस्ट में भी हुआ है कि जो वहां पे ऑयल का बहुत बड़ा खजाना निकल गया है और उससे क्या हुआ है कि इतना विंडफॉल गेन हो गया है, इतना पैसा मिलता है रशियन गवर्नमेंट को कि उनको पॉपुलर अकाउंटेबिलिटी से नाता ही नहीं रह गया है। क्योंकि पॉपुलर अकाउंटेबिलिटी मतलब कि पीपल से तुमको टैक्स लेनी है, बिजनेसेस से तुम्हें टैक्स लेनी है, तो आप अकाउंटेबल होते भी हो क्योंकि आपको उससे रेवेन्यू मिलता है। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू आपको चूंकि ऑयल और कमोडिटी सेल करके काफी सारे जो एग्रीकल्चर कमोडिटी फर एंड अदर चीजों से मिलता है रसिया को, उसके चलते जो है एक तरह से वो ऑटोनोमस हो गए हैं, अनअकाउंटेबल हो गए हैं पॉपुलर अकाउंटेबिलिटी से। ये सब फैक्टर्स जो है मिले जुले रूप में शायद, और कुछ और भी फैक्टर होंगे जो कि अभी सोशल साइंटिस्ट पे रिसर्च ही कर रहे हैं कि ये बहुत कन्वेंड्रम है कि क्यों रसिया इतना ग्रेट नेशन होते हुए भी डेमोक्रेसी को बनाए नहीं रख पा रहा है। इसकी डेमोक्रेसी इंडेक्स इसको रिफ्लेक्ट करती है, 134वें पोजीशन पे है, मैंने बार बार आपको बताया है, अलॉन्ग विथ कॉन्गो अफ्रीका में सूची किस टाइप की कंट्री के साथ है, और इसको प्योरली ऑथोरिटेटिव माना जाता है। सो दिस इज द क्यूरियस केस ऑफ रसिया। अब फाइनली यदि हम डेमोक्रेटाइजेशन देखें पोस्ट ऑथोरिटेरियन स्टेट में, जो कि पहले ऑथोरिटेरियन स्टेट थे, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पर्सनलिस्टिक हो, चाहे मोनार्किकल हो, और कैसे जो है वो बदल जाते हैं डेमोक्रेसी में, तो मेनी ऑफ दीज वेर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट विच रिवर्टेड बैक फ्रॉम डेमोक्रेसी इन 1960s, जो सेकेंड जो एब हुआ था, जो कि रिवर्स डेमोक्रेसी का ब्लिप चला था, उसमें ये लोग सब जो है बदल गए थे। अधिकतर इसमें से ऑथोरिटेरियन स्टेट लाइक घाना, पाकिस्तान, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन स्टेट भी हैं, जो ताइवान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड भी हैं। इसके जो कॉमन पैटर्न यदि डेमोक्रेटाइजेशन का देखें तो मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट विच कुड नॉट होल्ड ऑन टू डेमोक्रेसी फॉर लॉन्ग। मोस्ट ऑफ देम वेर लेड बाय स्ट्रॉन्ग कैरिस्मेटिक लीडर्स जैसे नुक्रमा हु हेडेड या सुहार्तो एंड सुकर्नो इंडोनेशिया में हु हेडेड ए सिंगल पार्टी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। The authoritarian government was run by a small minority of elites. यहाँ भी oligarchy type की थी, supported by military and bureaucracy. तो एक nexus बन गया था business, military, bureaucracy का. Many of them did well on economic and social front, particularly Southeast Asia में Taiwan, Korea, Thailand उन्होंने बहुत अच्छा किया, social welfare front पर भी अच्छा किया, land reform भी किया, इसलिए इनका regime जो है prolong हो गया, जनता को उससे कोई खास शिकायत नहीं रही। During third wave of democracy, 1974 से जो शुरू हुआ, जो Huntington कहते हैं, growing middle class, civil society movement and opposition leaders increased pressure with the help of international communities, international governmental organization like IMF, World Bank, UN to bring back democracy in these states. Globalization also helped the democratization process, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो economy थे like Taiwan, South Korea, ये सब जो है global export economy से जुड़े हुए थे, तो इसलिए इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस पे काफी अच्छा खासा पड़ा, और ग्लोबलाइजेशन के चलते यहाँ के इलीट जो थे उनको लगा कि डेमोक्रेसी को अपनाना अब मस्ट हो चुका है। इनकी जो डाइवर्जेंस यदि आप देखिए डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस में, तो फास्ट पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएटेड सुटेबल कंडीशंस इन साउथ ईस्ट ऑथोरिटेरियन स्टेट। दो अलग अलग है, यदि आप साउथ ईस्ट एशियन ऑथोरिटेरियन स्टेट को लें लाइक ताइवान, साउथ कोरिया, तो वहां पे इतना तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि जो लिपसेट बोलते हैं, सेट मैड लिपसेट, याद कीजिए कि जब कोई कंट्री वेल्दी होता है तो वहां नया मिडिल क्लास बनता है, नए सोशल स्ट्रक्चर बनते हैं, नए सोशल नेटवर्क बनते हैं, सिविल सोसाइटी पैदा होती है, और फिर डिमांड हो जाती है डेमोक्रेसी की, उसको झेल नहीं पाता है वहां का जो इलीट, जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होता है। वही जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में हुई, ताइवान और साउथ कोरिया में, इस रूट से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूट से यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन हुई। लेकिन यदि आप अफ्रीका में देखिएगा जो, या एशिया के अदर कंट्री में, तो यहाँ पे सोशल अनरेस्ट, इंटरनल क्राइसिस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे घाना में इस तरह का, दे सपोर्टेड डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल ऑथोरिटेरियन स्टेट। यदि डेमोक्रेसी इंडेक्स हम देखें
तो कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज मोस्ट लाइकली इन साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री जो कि इकोनॉमिकली काफी एडवांस्ड है लाइक ताइवान साउथ कोरिया इंडोनेशिया थाईलैंड में बट इट इज स्टिल अ बिग चैलेंज इन पोस्ट कोलोनियल स्टेट में तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. साउथ कोरिया जो है बहुत ऊपर है 22 कंट्री जो है फुल है उसके ठीक नीचे में साउथ कोरिया आता है हायर देन यूएसए है यहाँ डेमोक्रेसी इंडेक्स. ताइवान भी बहुत ऊपर है 31 मलेशिया 43 इंडिया 45 पे है उसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये सब साउथ ईस्ट एशियन नेशन हमसे ज्यादा डेमोक्रेटिक माने जाते हैं. फिलीपींस 94 पे हैं इंडोनेशिया 64 पे ये सब सब डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं ऑफकोर्स फ्लॉड. वेयर एज घाना एंड मोस्ट ऑफ द सब सहारन डेमोक्रेसी जो अफ्रीका के हैं दे आर रेटेड लोअर ऑन आइदर फ्लॉड और हाइब्रिड रेजिम. तो आप समझ सकते हैं कि दो अलग अलग डायरेक्शन है. फिर से हम रिपीट कर सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन के जो अथॉरिटेरियन स्टेट डेमोक्रेटाइज हुए हैं वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वहाँ मिडिल क्लास और सिविल सोसाइटी बनने के चलते हुए हैं. अफ्रीकन नेशन के जो अधिकतर सब सहारन जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से इंटरनल क्राइसिस से एक मजबूरी में हुए हैं. वहां बहुत फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी है और वो कब जो है डेमोक्रेसी खत्म हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है लेकिन साउथ ईस्ट एशियन के वेल्दी नेशन में इसके बने रहने की ज्यादा संभावना है. फाइनली यदि हम एक केस लें साउथ कोरिया का जो कि पोस्ट ऑथोरिटेरियन स्टेट है जिसने डेमोक्रेसी अपनाया है तो 1948 में साउथ कोरिया साउथ ऑफ कोरियन पेनिनसुला गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम जापानीज रूल. वर्ल्ड वॉर टू के जापान का ये कॉलोनी बन गया था. ये दो पार्ट में बढ़ जाता है. 1950 में कोरियन वॉर हो जाती है जो नॉर्थ पार्ट है वो कम्युनिस्ट रेजिम बन जाता है और साउथ पार्ट जो है वो अमेरिका सपोर्टेड एक कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी अपनाता है साउथ कोरिया. लेकिन द कंट्री एडॉप्टेड डेमोक्रेसी इन इट्स फर्स्ट रिपब्लिक मतलब जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना बट बिकेम इंक्रीजिंगली ऑटोक्रेटिक अंटिल इट्स कोलैप्स इन 1960 आते आते जो है वो कोलैप्स कर जाता है. सेकेंड रिपब्लिक जो है स्ट्रॉन्गली डेमोक्रेटिक था बट वॉज ओवर थ्रोन इन लेस देन ए ईयर एंड रिप्लेस बाय एन ऑटोक्रेटिक मिलिट्री रेजिम. फिर जो है सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बदल जाता है. थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रिपब्लिक यानी मतलब कि तीसरी चौथी और पांचवीं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो रिपब्लिक बनता है वे रिगार्डेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ मिलिट्री रूल. तो ये मिलिट्री रूल चलता रहा. हाउएवर द ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट डिड वेरी गुड लैंड रिफॉर्म. उस लैंड रिफॉर्म से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई. उसको उन्होंने जुडिशियसली इन्वेस्ट किया एग्रीकल्चर सरप्लस को इंडस्ट्री में जैसे चाइना ने किया था. दे इन्वेस्टेड हैवली इन इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जिसको कि कंपिटिटिव स्टेट बोलते हैं. वहाँ के लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया. आपको पता है कि सैमसंग एलजी इस टाइप के जो कोरियन कंपनी हो पूरी दुनिया में छा गए तो उस तरह से वो बहुत इकोनॉमिकली डेवलप हो गए. उनका जो जीडीपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो करीब 52 टाइम्स बढ़ गया 45 साल में 1950 से 1995 में जो कि इसको एशियन टाइगर बोलते हैं एक चमत्कार बोलते हैं. Such impressive economic development created strong middle and working class, professional class, which increased pressure for democratization. This led to weakening of pact of domination between ruling elites. ऐसा था कि वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि एक ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री और बिजनेस के बीच में एक पैक्ट ऑफ डोमिनेशन बन गया था कि मिल के हम लोग शासन करेंगे एक ओलिगार्ची. लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग मिडिल प्रोफेशनल क्लास बना वर्किंग क्लास बना सिविल सोसाइटी बना तो वो पैक्ट ऑफ डोमिनेशन जो है टूटने लगा. इट अंडरमाइंड द सोशल बेसिस ऑफ अथॉरिटेटिव रेजिम एंड ड्यू टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इट्स इकोनॉमी वॉज टोटली इंटीग्रेटेड टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट. Hence, international pressure from USA-led capitalist power further supported democratic pressure for democratization. तो इसके चलते, इन factors के चलते, एक तो economic development अंदर हो रहा है, जो pact of domination टूट रहा है, जो growing middle class civil society unrest कर रही है, वो चाहती है ज़्यादा demand, ज़्यादा civil political rights. इससे जो है वो elites जो है अंदर pressure है और ऊपर से global pressure भी पड़ रहा है globalization का भी क्योंकि इनकी economy जो है integrated है. इन सब के चलते वहाँ क्या होता है थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी भी चल रही है. 1980s में उसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है. इन सब के चलते 1987 में साउथ कोरिया एडॉप्टेड न्यू सिक्स्थ रिपब्लिक जो कि फुल्ली डेमोक्रेटिक था. दे एस्टैब्लिश्ड ए लिबरल डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑन पैटर्न ऑफ यूएसए और तब से अभी तक कोरिया एक पीसफुल डेमोक्रेसी है. सो दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल डेमोक्रेटाइजेशन केस ऑफ साउथ कोरिया. So, dear student, let us sum up this discussion, of course, of two parts. Democratization denotes changes or transition of previously non-democratic regime towards democracy. हम लोगों ने देखा, democratization happened in waves. ये मैंने first video में बताया था, in bunch. Huntington identified three such
डेमोक्रेटाइजेशन वेव, फर्स्ट जो है 1828 से 1926, सेकेंड 1942 से 1962 और थर्ड 1974 से 2000। कई लोग जो है फोर्थ वेव को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग के साथ उभर करके सामने आई है। हर वेव के साथ में जो है एक रिवर्स वेव भी चला है, लोग अभी भी रिवर्स वेव को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कई कंट्री जो है पर्टिकुलरली सब सहारन अफ्रीका में और एशिया में भी वो अधिक से अधिक ऑटोक्रेटिक होते जा रहे हैं, रशिया उसमें से एक है। Regime we saw democratizations are authoritarian, post-colonial and totalitarian, communist and post-communist state. हम लोगों ने देखा इन सब के features और कैसे कैसे ये बदले हैं। Many of the post-colonial states which adopted democracy reverted back to autocracy in 1960s, that is second reverse wave. Many of them were re-democratized during third wave. हम लोगों ने घाना का एक केस देखा। Democratization in post-communist states has been divergent. हम लोग देखा कि तीन अलग अलग directions में हुई है। Central and Eastern European nations swiftly democratized, but rest while USSR republics are slow in adopting democracy. Many of them, especially Central Asian republics, continue to be authoritative. Authoritative states of Southeast Asia, such as Taiwan and South Korea, moved to democracy, leading the path of impressive economic growth, whereas other authoritarian states of Sub-Saharan Africa and other countries of South Asia, like Pakistan, Bangladesh, are still struggling to consolidate the reacquired democratic status. So thank you very much, the students. These are the references. You should visit all these if you want. And thanks for watching. Be safe. See you in next video. Bye.